हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग रूल नंबर फर्स्ट तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर अच्छी लगे वीडियो या फिर कैसी भी लगे वीडियो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में रूल नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, उसके एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो रूल नंबर फर्स्ट हमसे कहना चाहता था वो एक्चुअली ये है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने उसकी डिफिनेशन पढ़ ली, हमने उसको समझ लिया, अब यहाँ पे उसको प्रैक्टिकली अच्छे से एक बार और समझ में लेते हैं कि ये क्या हमसे कहना चाहता है मेनली, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आपके सामने ये कंपाउंड नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एक चेन नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा रूल नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहना चाहता था। रूल नंबर फर्स्ट हमसे कहना चाहता था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में, किसी चेन में, तो हम लोग उसमें कुछ छांटते हैं, ठीक है, कुछ अलग करते हैं। उसमें क्या देखते हैं हम लोग, उसमें ये हम लोग देखते हैं अगर ये दोनों बॉन्ड सिंपल, मतलब कि ये दोनों बॉन्ड अगर एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, नंबरिंग करने पर एक ही नंबर पे आ रहे हैं, दोनों की नंबरिंग सेम हो रही है, तो उसमें हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। नंबरिंग जो है वो हम डबल बॉन्ड से शुरुआत करते हैं, डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं नंबरिंग करना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कंपेरेटिव स्टडी के लिए मैंने वो पिछला भी एग्जांपल लिया है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा अभी। जैसा कि हम लोग देखे पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था, ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ये आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल, ये जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, ये हमने एक चीज बताए थे कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जगह पे हों तब हमें डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब डबल बॉन्ड और दोनों बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिलेगा। तो हम लोगों ने यहां से नंबरिंग शुरू कर दी थी। बट रूल नंबर फर्स्ट हमसे ये कहता है कि अगर जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, ये और ये डबल बॉन्ड की नंबरिंग अगर सेम हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यही करेंगे जो हमसे रूल कहता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग सेम है, ठीक है, वन नंबर पे ये डबल बॉन्ड है, वन नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग प्राइमरी कार्बन से चेन छांटते हैं, तो चेन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, चेन तो यही होगी लंबी सी चेन, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बस बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो गई, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पे था, अब डबल बॉन्ड यहां पे हो गया, तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईपीएससी का रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो ये देख लीजिए, यहां से हम लोग शुरू करते हैं नंबरिंग करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, कर लिया हमने नंबरिंग 6 तक। वन नंबर पे हमें मिला इन, और ये 5 नंबर पे हमें कैसे मिला, क्या मिला 5 नंबर, क्या मिला और कैसे मिला, हमने इधर से नंबरिंग किया तो हमें 5 नंबर क्या मिला, आइन, 5 नंबर पे हमें क्या मिला, आइन, ठीक है, तो 5 नंबर पे हमें आइन मिल गया, 1 नंबर पे हमें इन मिल गया। अब देखिए, चेन तो हमने ये छांट ही ली है, चेन को हम लोग पहले रेक्टेंगुलर में कर लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो यार, और क्या प्रिंसिपल चेन हो गई है तुम्हारी, अरे हमारी भी हो गई भैया प्रिंसिपल चेन। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे, गोले में लेंगे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग गोले में लेंगे, ठीक है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ये क्या आपका मिथाइल ग्रुप, तो हमें 4 नंबर पे क्या मिला, मिथाइल ग्रुप, 4 ही नंबर पे क्या मिला, 1, 2 इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन है ना, तो 4 ही नंबर पे हमें क्या मिला, इथाइल ग्रुप को हम लोग ईटी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ईटी से डिनोट करते हैं, 4 नंबर पे हमें मिथाइल मिल गया, 4 नंबर पे हमें इथाइल मिल गया। अब क्या करेंगे, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर देंगे यार, बस मेन यही था कि हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, जब दोनों बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये आपको लोग रट लीजिए, ठीक है, अगर दोनों बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड नजदीक मिलेगा, सिंपल सा, ठीक है, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से हम लोग शुरू किया। अब इसकी देखिए, हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर ही लेते हैं सिंपली, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकल आर्डर जरूर ध्यान में रखिएगा, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने में अल्फाबेटिकल आर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा गलतियां होती है बच्चों से यहां पे, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर गलतियां होनी नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, 4 पे हमें क्या मिला, इथाइल, ई पहले आता है ना, ई, तो हम लोग ई एम वाई और ई, ये इन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप का इन है,
यहाँ का, यहाँ का फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में सब्स्टिट्यूट में कंपैरिजन करेंगे तो ई पहले आता है, एम नहीं आता, ठीक है, ई पहले आता है। फोर पे हमें क्या मिला, इथाइल मिला, फोर पे हमें क्या मिला, इथाइल मिला, फोर पे हमें क्या मिला, इथाइल मिला, फिर हमें फोर पे क्या मिला, मिथाइल मिला, क्या मिला, मिथाइल मिला, क्या मिला, मिथाइल मिला, फोर पे हमें इथाइल मिल गया, फोर पे हमें मिथाइल मिल गया। अब क्या करेंगे, हेक्स, पहली बात तो ये छह कार्बन रहती है, तो अब तक तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे कि छह कार्बनों को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स। तो हेक्स सिंपली लिख लीजिए, हेक्स हो गया आपका। अब देखिए वन पे हमें क्या मिला था, ईन, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, इसमें वन ई, ई और वाई में कंपेरिजन करेंगे तो ई पहले आता है, तो वन ईन, ठीक है, वन ईन। और क्या बचता है आपका, फाइव पे आयन बच रहा है यार, इसको भी लिख दो ना, यहीं पे लिख देते हैं, फाइव पे आयन, फाइव पे आयन। अब देखिए आपका नॉमेनक्लेचर भी हो गया, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो नॉमेनक्लेचर भी हो गया आपका, ठीक, नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, अच्छे से देखिए आप लोग, फोर इथाइल, फोर मिथाइल, हेक्स, वन इन, फाइव आइन, ये हो गया आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब तक तो रूल फर्स्ट आपको जहन में उतर गया होगा, आपके खून में उतर गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, क्या नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सपोर्ट ऐसे ही करते रहो आप लोग, धन्यवाद, जय हिंद।